तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप दो तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप क्लिकबैंक से भी अर्निंग कर सकते हो और साथ में आप गूगल एडसेंस से भी अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों ये जो वीडियोज है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो प्रोसेस बताऊँगा अर्निंग करने की। यदि आपकी क्लिकबैंक से सेल आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो 101% आप गूगल एडसेंस से बहुत अच्छी खासी अर्निंग करोगे। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कैसे आप ब्लॉगिंग करके अर्न कर सकते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ब्लॉगिंग के लिए तो कंटेंट लिखना पड़ेगा, डोंट वरी मैं आपको सिखा दूँ कैसे आपको कॉपी पेस्ट करके और वहाँ से 101% हम यूनिक कंटेंट बनाएंगे और उसको हम पास भी करेंगे, यानी गूगल भी उसको सर्च नहीं कर पाएगा कि यार ये कैसे कॉपी किया हुआ कंटेंट है। बहुत ज़्यादा सीक्रेट मेथड है, इसलिए एक बात कहूँगा आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यदि चैनल पर नए हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मैं रियल ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे आप क्लिकबैंक से अर्न कर सकते हो और साथ में आप ब्लॉगिंग से भी अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों हम यहाँ आ चुके हैं क्लिकबैंक के मार्केट प्लेस पेज पर, जहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस सिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कैसे हम अपने एक निश फाइंड करेंगे और यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम कंटेंट लेंगे और यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम कॉपी और पेस्ट करेंगे, यानी फुल प्रोसेस आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ फनल बना के रखी हुई है जिसके सारे से हम क्लिकबैंक के प्रोडक्ट को लिखेंगे, सेटअप करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर वीडियो को फुल वॉच करना है, और यदि आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो हो सकता है इसमें से कोई भी कंटेंट या कोई भी वेबसाइट आपके सामने से निकल जाए और ये पूरी वीडियो आपकी समझ में ना आए, इसलिए आपको फुल वॉच करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और किस तरीके से हम प्रमोट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्लिकबैंक ओपन करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिकबैंक के मार्केट प्लेस पेज पर आ चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो कंटेंट लिखेंगे, जैसे कि वो पता है कि मैं आपको रिव्यू कंटेंट लिखना सिखाऊंगा, क्योंकि यदि आप रिव्यू लिखते हो चाहे वो वेबसाइट हो या फिर ब्लॉगिंग हो या फिर वर्डप्रेस हो, कहीं भी आप रिव्यू कंटेंट लिखो, कहीं भी आप कंटेंट लिखो, यदि आप एफिलिएट मार्केटिंग से सेल लेकर के आना चाहते हो तो आपको वहाँ पर रिव्यू कंटेंट देना होता है। और बिना गूगल ऐड और फेसबुक ऐड के और बिल्कुल फ्री मदद से सेल लेकर के आना चाहते हो तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर कंटेंट लिखना शुरू करें। अब दोस्तों यहाँ पर मैं सिखाऊंगा कंटेंट कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों एक वेबसाइट है शीबी स्कूनर जो कि ये बता देती है कि क्लिकबैंक पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट ट्रेंड में कौन सा चल रहा है, ठीक है, उसकी ग्रेविटी है, उसकी मंथली सेल है, ये सब कुछ यहाँ पर बता देती है। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यदि आप रिव्यू लिखने की जब भी सोचो, चाहे आप ब्लॉगर पर लिखो या पर वर्डप्रेस पर लिखो, कहीं भी लिखो, लेकिन आपको यहाँ पर प्रोसेस को फॉलो करना शीबी स्कूनर के को, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर शीबी स्कूनर वेबसाइट ओपन करी तो आपको सामने देख पा रहा हूँ एक्सपीओर जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, क्लिकबैंक का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है, एक्सपी एल बी जूसेज है, जावा बोन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी प्रोडक्ट हैं ये सबसे ज़्यादा सेल होने वाले प्रोडक्ट हैं क्लिकबैंक के। यहाँ पर आप अपनी ग्रेविटी भी चेक कर सकते हो, ठीक है, सबके स्टेप बाय स्टेप ग्रेविटी लिखी हुई और यहाँ पर उनका ग्राफ वगैरह भी चेक कर सकते हो, देख पा रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ से यदि आप गूगल ऐड भी चलाते हो या फिर आप फ्री मेथड के साथ जब भी प्रमोट करते हो या फिर जो भी आप प्रोसेस फॉलो करते हो क्लिकबैंक का, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप शीबी स्कूनर वेबसाइट पर जाकर जरूर चेकअप करें, ठीक है, उसको जरूर ट्राई करें, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर हर प्रोडक्ट की ग्रेविटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कितना सेल हो रहा है, क्या डिटेल्स है उसकी और सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, और कितना कमीशन है, रिकरिंग इनकम है, यदि क्लिकबैंक में शो नहीं करते तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसकी रिकरिंग इनकम भी यहाँ पर बता रहा है $152 का इस पर कमीशन है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कंटेंट किस तरीके से लिखना है, क्या प्रोसेस रहेगा, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि हमें यहाँ पर प्रोडक्ट का कंटेंट उसी का लिखना है जो कि सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो सबसे ज़्यादा सेल होने वाले प्रोडक्ट हमारे सामने आ चुके हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर हम ब्लॉगर पर अकाउंट कैसे बनाएंगे। अब दोस्तों बात आती है कि हम इसको प्रमोट कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक ब्लॉगर पर अकाउंट बनाना है, ठीक है। ब्लॉगर पर अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा ईजिली है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑनलाइन अपने मेल आई डी डालनी है और यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट न्यू अकाउंट पर, और यहाँ पर आपका मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 10 से 20 सेकंड के अंदर आपका अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर पोस्ट डाली हुई है, तो आपको यहाँ पर मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझा सकूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा अकाउंट बिल्कुल न्यू है और यहाँ पर आप मुझे पोस्ट डालनी है और यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा थीम वगैरह सेट करना, ठीक है। तो अब दोस्तों पोस्ट डालने के लिए हम क्या करना है, यहाँ पर न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कंटेंट दूसरों को लेंगे, यानी हम कॉपी और पेस्ट करेंगे और 101% यूनिक कंटेंट भी होगा। तो दोस्तों उसके लिए हम यहाँ पर एक वेबसाइट पर आना है, इस वेबसाइट का नाम है दोस्तों medium.com, एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर मिलियनों ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ से हम कंटेंट ले भी सकते हैं और इस पर हम कंटेंट लिख भी सकते हैं, क्योंकि इस वेबसाइट पर मिलियनों ट्रैफिक आता है। तो अगर चाहो तो आप इस वेबसाइट पर कंटेंट लिखो और यहाँ से बहुत अच्छे सेल लेकर आ सकते हो। जैसे यहाँ पर ये मेरा खुद का कंटेंट है जो कि मैंने खुद ने इस पर लिखा था, ठीक है, और ये कंटेंट भी एक जगह से मैंने दूसरी जगह से कॉपी किया। तो यदि आप चाहो तो यहाँ पर आप कंटेंट लिखिए,
क्योंकि यहाँ पर बहुत ट्रैफिक आता है। अब दोस्तों यदि मैं बताऊँ अगर इसका ट्रैफिक, अब दोस्तों यदि मैं ट्रैफिक की बात करूँ इस वेबसाइट को देख पा रहा हूँ, यहाँ पर 145 मिलियन इस वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है कंटेंट पढ़ने के लिए। और दोस्तों यदि मैं रिव्यू की और यदि मैं कंट्री की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक आ रहा है वो यूएसए का आ रहा है, ठीक है, यूएसए का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। उसके बाद में हमारा इंडिया का है, यूके का है, कनाडा का है, ब्राज़ील का, यानी रिचेस्ट कंट्री का इस पर ट्रैफिक है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि मिलियनों लोग इस पर कंटेंट पढ़ने के लिए आते हैं और इस पर कंटेंट पोस्ट भी करते हैं, लेकिन यहाँ हमें ना ही तो कंटेंट पोस्ट करना और ना ही हमें कंटेंट यहाँ पर लिखना है, हमें यहाँ पर से कंटेंट्स को सिर्फ कॉपी करना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर बहुत ईजिली से प्रोसेस आपको यहाँ पर क्लिक करना है और गूगल से साइन अप कर लेना और यहाँ पर इजीली अपना अकाउंट बना लेना, यानी कि यहाँ पर भी आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ से हम रिव्यू किस तरीके से ले सकते हैं, तो अभी मैंने आपको एक्सीपीआर जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था, एक्सीपीआर रिव्यू, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से जावा बोन का है, कीटो डाइट का है, मेक मनी ऑनलाइन का, जिसका भी आपको रिव्यू चाहिए उसका रिव्यू आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहा हूँ कितने सारे रिव्यू एक्सीपीआर के आ चुके हैं। अब मुझे करना क्या है, यहाँ से एक प्रोडक्ट का रिव्यू मुझे ले लेना, जैसे यहाँ पर 19 जून को जो है पोस्ट किया गया है, ठीक है। इसको मैं कंटेंट पर चेक कर लेता हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट और लॉन्ग कंटेंट भी, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसने बहुत जगह अपने जो लिंक को प्रमोट किया है। तो यहाँ से मैं कोई दूसरा कंटेंट लेता हूँ, तो यहाँ से मैं 31 मई का लेता हूँ, ठीक है, ये 31 मई का कंटेंट, और यहाँ पर भी इसने बहुत ज़्यादा अपने लिंक को दिया है। अब यहाँ से आपको जो भी अच्छा कंटेंट लगे उसमें से कंटेंट आप कॉपी कर सकते हो। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसी कंटेंट को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मुझे वेबसाइट पर आना, क्योंकि अगर जस्ट के टच में इस पर डाल दूंगा तो इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगा और ये हमारा कंटेंट ब्लॉक कर देगा या फिर गूगल इसको रैंक नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर एक और वेबसाइट है जिसका नाम है spinbot.com, ठीक है, जो कि हर प्रोडक्ट को प्रोडक्ट तो वही रहता है लेकिन उसको स्पिन कर देती है, ठीक है। spinbot.com में जाता हूँ, और भी यदि इसको आप अच्छे से चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर एक ग्रामरली जो है ऐप है, ग्रामरली जो है एक्सटेंशन है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर इसके जो वर्ड को चेंज कर देना, वो ऑटोमेटिकली बता देता है। अगर ये भी कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर टोटली कंटेंट हमारा आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये कंटेंट जो है थोड़ा सा वर्ड चेंज हो जाएंगे और ये यहाँ पर एक अलग कंटेंट बन जाएगा जिससे कि गूगल इसको नहीं पहचान पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लग रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने अपना कंटेंट बदल दिया है। यदि आप इसके लाइन को ऊपर लाइन को इस लाइन को पढ़ने की कोशिश करते हो, देख पा रहे हो आपको टोटली डिफरेंट मिलेगा कंटेंट को थोड़ा चेंज कर, देख पा रहे हो यहाँ पर मतलब कंटेंट आपको चेंज मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल भी एक अलग से कंटेंट लग रहा है। तो यहाँ पर क्या करता है, गूगल अब इसको नहीं पकड़ पाएगा, मैच नहीं कर पाएगा। और भी यदि आप इसके और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो प्लेगरिज्म चेकर एक अलग से एक्सटेंशन है वेबसाइट, वहाँ पर जाकर उसको आप एंटर करना है और यहाँ पर उसके कंटेंट को इसको पेस्ट करना है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगा, यहाँ पर मुझे लगता है कंटेंट बिल्कुल जेन्युइन है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ पर जो दिखेगा ये सिस्टम, यहाँ पर क्लिक करना और टोटली कंटेंट हमारा कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे ब्लॉगर में और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक हमने इसको पेस्ट कर दिया है, कंटेंट वगैरह बहुत अच्छा है और यहाँ पर अब हमें कहीं अपने लिंक को भी देना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक इमेज रखना है। इमेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इमेज से कोई भी कंटेंट हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे यूट्यूब वीडियोज हो, कहीं भी हो, इमेज से एक यूजर के दिमाग के अंदर एक पिक्चर्स बनती है उससे रिलेटेड और यहाँ पर उसको सेल लाने में आसान होती है। तो यहाँ पर जैसे कि इस तरीके से आपको गूगल में आना है और गूगल में सर्च करना है एक्सीपीआर और यहाँ पर आपको बहुत से इमेजेस मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप कोई भी फैक्ट इमेज डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर हम रिव्यू दे रहे थे, यहाँ पर मैं आऊँगा फटाफट और यहाँ सबसे ऊपर मैं इसको इमेज को ऐड कर दूँगा। इमेज ऐड करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपलोड फॉर्म कंप्यूटर पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं अब इसको इमेज को चूज फाइल क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इमेज को ले लेना और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर एक इमेज आ चुका है, चाहो तो आप इसको जो फुल कर सकते हो, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको लार्ज कर देंगे और अब ये नहीं हो पाता इसको हम एक्स्ट्रा लार्ज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिनल पर क्लिक करने के बाद मैंने ये बिल्कुल कंटेंट की तरफ आ चुका है, बिल्कुल ठीक लग रहा है इमेज। अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर एक इमेज और आपको डाउनलोड कर लेना है, लेकिन इस कंटेंट से यूजर्स बिलीव नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर हम कुछ ऐसा रिव्यू और जोड़ेंगे जिसमें कोई मेल फीमेल की इमेज वगैरह। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक्सीपीआर को ओपन करूँगा और यहाँ से जैसे कि यहाँ पर कुछ रिव्यू होंगे, जैसे कि यहाँ पर वीडियो होंगे, जैसे ये रिव्यू होती है, यहाँ पर मैं इनका स्क्रीनशॉट लूँगा, ठीक है,
है, मैं आऊँगा और यहाँ मैं लिखूँगा स्क्रीनिंग टूल और यहाँ से मैं इनका स्क्रीन शॉट लूँगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से मैंने इसका ले लिया वन पर, इनको हम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर मैंने इसका ले लिया। ठीक है, फर्स्ट हो गया, और यहाँ से मैं एक इसका ले लेता हूँ, ठीक है इसका भी ले लिया और यहाँ से मैंने शेव कर दिया। अब थर्ड मैं इसका लूँगा, जैसे यहाँ से मैं इसका भी इमेज ले लेता हूँ रिव्यू के लिए, यहाँ तक मैं इनका टोटल ले लूँगा। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक तो कंटेंट हमारा अलग हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर यूजर्स बिलीव करेगा थोड़े से हम इमेज वगैरह ऐड करते हैं तो। ठीक है, अब करना क्या है, जैसे यहाँ पर हम आएंगे दोबारा से ब्लॉगर पर, या आने के बाद में यहाँ से अब हम कुछ इमेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम अपलोड कंप्यूटर, चूज फाइल और डेस्कटॉप, यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट, जैसे कि एक तो ये था और एक ये था और एक ये था। ओके, अब हम करने क्या, स्टेप बाय स्टेप हम इनको अपलोड करना। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना है इसको ले लिए सबसे पहले, इन दोनों को ले लिए। ठीक है, इसको भी हमें डिलीट करना है, इसको भी हमें क्या करना है, ओरिजिनल कर देना है। ठीक है, इसको भी हमें ओरिजिनल कर देना है। एक इमेज ऑर्डर करूँ तो यहाँ पर मैं कलेक्ट करूँगा और यहाँ पर अपलोड कंप्यूटर, चूज फाइल और सेलेक्ट फोर पर कलेक्ट कर दूँगा। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो हमारे रिव्यू आ चुके हैं और अच्छे भी लग रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इसको ओरिजिनल कर दूँगा। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ से हमारी सेल किस तरीके से, इसलिए यहाँ पर हमें जगह जगह अपने कलेक्ट बैंक के प्रोडक्ट के लिंक को ऐड करना है, और अब हमें टैग टूक भी डालो, तो इसलिए अभी वीडियो यहीं खत्म नहीं, वीडियो अभी थोड़ी सी और बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक टाइटल भी देना, तो टाइटल यहाँ पर हम इसी टाइटल को ले लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ टाइटल लाइन और लेनी है जहाँ से कि हमारे प्रोडक्ट सर्चिंग में आवे, तो उसके लिए मैं क्या करना, क्या यहाँ मैं आऊँगा और एक वेबसाइट है कीवर्ड टूल डॉट आईओ, जिसको मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वेबसाइट को ज़रूर यूज किया करो कीवर्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गूगल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ मैं लिखूँगा एक्सी प्योर रिव्यू, 169 हमें कीवर्ड निकाल के दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैं इन कीवर्ड को यूज़ करूँगा टैग के लिए भी और यहाँ पर टाइटल के लिए भी, तो यहाँ से मैं सबको कॉपी करूँगा, जस्ट मैंने कॉपी क्लिक किया और यहाँ से मैं सबको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, मैं एक जगह नोटपैड में इनको ले लूँगा, तो यहाँ पर मैं डालूँगा नोटपैड, तो यहाँ मैं इनको पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब मैं करने का दोस्तों, यहाँ से हमें कुछ अच्छे से यूजर्स को ले, जैसे यहाँ पर मैं एक्सपी और रिव्यू कंज्यूमर रिपोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे मैंने ये ले लिया, तो जैसे कि ये ले लिया कुछ अच्छा सा आपको ले लेना, जैसे ट्रस्ट पायलट वगैरह ले लिया, तो ये कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको अब डाल दूँगा। ठीक है, एक ये हो गया, इस तरह आपको यहाँ पर तीन टाइटल डाल देना है। ठीक है, और तीनों टाइटल इस तरीके से होने चाहिए जिस पर ट्राफिक आ रहा हो। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट सर्च किस तरीके से होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या होता है गूगल के अंदर कि आप यहाँ पर कंटेंट को कहीं भी लिखो, ठीक है, किस तरीके से लिखो, लेकिन वहाँ पर आपको जो है थोड़े से कीवर्ड मैच होने चाहिए, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लाइनिंग दूंगा, यूँ लाइनिंग दे करके यहाँ पर जो भी हमारे कीवर्ड अभी आए थे उनको मैं यहाँ पर नीचे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर ही थे हमारे शेयर कीवर्ड, तो यहाँ पर आप सबको कॉपी कर लो इनको। ठीक है, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट मिलता जुलता होगा हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ जस्ट नीचे की तरफ मैंने सबको डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर सारे कीवर्ड हो चुके हैं। अब जब भी कोई गूगल पर इनसे रिलेटेड कुछ भी लिखेगा तो हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सर्चिंग पे आ जाएगा। ठीक है, तो सबको डाल दो। ठीक है, मैंने चार पांच जगह कॉमा लगा करके आपको इस जगह 10 से 12 करना है कॉपी करो। यहाँ पर भी हम इनको जो है पेस्ट कर देंगे। अब हमें किस तरह की सेल आएगी उसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर एक्सी प्योर प्रोमोट पर क्लिक करके यहाँ से हम अपने होप लिंक को कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम अपने जो है क्लिक बैंक के लिंक को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक किया, अप्लाई कर दिया, यहाँ से मैं उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा और अंडरलाइन कर दूंगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर 10 से 12 तक मोर इन्फॉर्मेशन लिख देना है, लर्न मोर लिख देना है, क्लिक या लिख देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा प्रोसेस है, आपको यहाँ पर जगह जगह अपने लिंक को इस तरीके से ऐड करना है
ऐड करके आपको यहाँ पर इस तरीके से टैग डालना है और यहाँ टाइटल अच्छे से डालना है और यहाँ पर आपको उसको पब्लिश कर देना है और कंफर्म कर देना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक पोस्ट हो चुका है। उसी तरीके से यहाँ पर दोबारा आना शिव स्पूनर पर और यहाँ से जैसे सेकंड है टिवोन, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से अब मैं इस प्रोडक्ट को जैसे मैं इसको कॉपी करके और यहाँ मार दूँगा क्लिक बैंक में और यहाँ मैं इसको सर्च करूँगा और यही कि एक्सी प्योर वाला जो प्रोसेस था हमारा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा कंटेंट शो होगा। बहुत अच्छी थीम लग रही है यहाँ पर, बहुत अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर रिव्यू वगैरह भी हमने दिए हैं इस तरीके से, ये तो और भी अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा कंटेंट शो होगा। आपको यहाँ पर 4 से 5 कंटेंट के यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर शिव स्पूनर पर जो प्रोडक्ट दिख पा रहा हूँ यहाँ पर सबको जो है आपको उनका रिव्यू देना है। उसके साथ में आपकी बहुत अच्छी सेल आएगी। प्लस यहाँ ब्लॉगर से आपको यहाँ पर आना है और यहाँ से जो आपको अर्निंग सोर्स है आपको दिख पा रहा हूँ यहाँ पर अर्निंग, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको जो है क्रिएट एडसेंस अकाउंट इसको ऐड कर लेना है। एडसेंस अकाउंट बहुत ईजिली बनाना, वहाँ से बहुत ईजिली अपना अकाउंट बना सकते हो और अकाउंट बना करके यहाँ पर आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ से दोनों तरफ से अर्निंग हो, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट को प्रमोट करें वो विदेशों के अंदर कर रहे हैं, US, UK, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम के अंदर कर रहे हो। यहाँ से हमें बाहर का ट्रैफिक आता है और आप जानते हो यदि बाहर का ट्रैफिक आता है तो वहाँ से कितनी अच्छी अर्निंग होती है। दोस्तों ये 10,000 रुपये हैं और कैसे मैं हर रोज 5 से 10,000 रुपये कमाऊँ, यानी महीने के 2 से 3 लाख रुपये, और वो भी अपने घर बैठे अपने कंप्यूटर मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके। और आप भी अपने मोबाइल या लैपटॉप के सहारे से हर रोज 5 से 10,000 रुपये अपने घर बैठे कमाना चाहते हो तो मैं आज आपको एक गिफ्ट देने वाला हूँ। मैं आज आपको जो गिफ्ट देने वाला हूँ वो 2 से 3 घंटे का कोई वेबिनार नहीं है जिसमें आपके समझ में कुछ आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई नहीं। यहाँ मैं आपको कंप्लीट कोर्स देने वाला हूँ जिसके अंदर बिगनर जिस पर कुछ भी नहीं आता वो उस कोर्स की मदद से अपने मोबाइल या लैपटॉप पर थोड़ी देर यानी 1 से 2 घंटे काम करके हर रोज 5 से 10,000 रुपये कमा सकता है। मैंने इस कोर्स के अंदर सिखाया कैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर थोड़ा सा काम करके महीने का 1,00,000 रुपये कमा सकते हो। अब तक सैकड़ों लोग मेरे इस कोर्स के सहारे से अपने लाइफ को चेंज कर चुके हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। हाउस वाइफ, स्टूडेंट, जॉब पर्सन जो कि साइड इनकम चाहता है वो बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। दोस्तों इसका नाम शिवम है। लॉकडाउन में जॉब जाने के बाद मैं इसने मेरे कोर्स को देखा, परचेज किया और आज मेरे कोर्स के सहारे से अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। इस घर वाले भी इस पर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस कर रहे हैं। कोर्स को है ना यूज किया, मेरे को बहुत ज्यादा यूजफुल लगा। स्टेप बाय स्टेप इसमें हर चीज डिटेलिंग है, जैसे मेरे को बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो मैं इसके लिए क्रिएटिव अशफाक को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि जिससे मैंने घर बैठे अर्निंग शुरू किया है। दोस्तों इसका नाम मयंक है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देख रहा है जिससे घर बैठे आसान तरीके से पैसा कमाया जा सकते हैं, इसने मेरे कोर्स को देखा, हिम्मत करके परचेज किया और आज मेरे कोर्स के सहारे से अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। भाइयों मैंने वो कोर्स खरीदा और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे को इतनी सेल आ जाएगी, लेकिन अब मैं उससे बहुत अच्छे पैसे कमा जा रहा हूँ। इसके लिए मैं अशफाक सर जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, इन्होंने मेरी बहुत ही हेल्प की। अब मैं इंस्टाग्राम का यूज़ करके पैसे अर्न कर सकती हूँ जो सर ने मुझे बहुत ही अच्छे से सिखा दिया है। दोस्तों इसका नाम वीरेंद्र राठौर है। ऐसे कोई सोर्स देख रहा था जिससे कि घर बैठे पैसे कमाया जा सकता है, कोर्स अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। आई हैव परचेज दिस कोर्स बिफोर 25 डेज एंड आई गॉट बेटर रिजल्ट एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज। अब दोस्तों मैं अर्न कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया वो अर्न कर रहे हैं। अब बात आती है आपकी, कब तक ऐसे समय खराब करते रहोगे यार? इस वक्त समय की कीमत है, पैसों की कीमत नहीं है। समय एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा, पैसा तो फिर भी वापस आ सकता। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने छोटी सी प्राइज रखी वो इसलिए नहीं रखी है कि मैं उससे पैसे कमाऊँ, वो मैंने इसलिए रखी है कि जब तक किसी चीज पर किसी बंदे को कुछ पैसा नहीं लगता ना, उस चीज की कदर उसके दिल के अंदर नहीं आती है। यहाँ पर यदि आप थोड़ा सा पैसा खर्च करोगे तो आप इस कोर्स पर सीखने पर फोकस करोगे। यहाँ पर मेरा जो मेन मोटिव है वो है आप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना, ताकि आप भी मेरी तरह घर बैठे अर्निंग कर सके। दोस्तों सोचे मत, यहाँ दिए गए बटन पर क्लिक करिए और जल्दी से हमारी टीम के मेंबर बनिए, जहाँ मैं आपसे बिल्कुल लाइव मिलूंगा और यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अर्निंग करोगे। सोचे मत, फटाफट क्लिक करिए, मिलते हैं कोर्स के अंदर।